कहानी होली की। ये कहानी है होली की। होली त्योहार का नाम होलिका से मिला, जो कि असुर राज हिरण्यकश्यप की बहन थी। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मदेव से एक वरदान मिला कि उसकी मृत्यु न किसी मनुष्य से होगी, न किसी जानवर से, न वो अंदर मरेगा न बाहर। इस वरदान को पाकर हिरण्यकश्यप ने अपनी प्रजा को कहा कि वो सिर्फ उसकी पूजा करे, न किसी भगवान की। लेकिन उसके अपने ही बेटे प्रहलाद ने भगवान विष्णु की पूजा जारी रखी। इससे हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंक दिया, परंतु उसे कुछ नहीं हुआ। फिर उसने प्रहलाद को कुएं में फेंक दिया, परंतु उसे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जंगली हाथी से कुचलवाने का आदेश दिया, पर वो भी प्रहलाद का कोई नुकसान न कर सके। इसके बाद प्रहलाद को एक कमरे में जहरीले और गुस्सैल सांपों के साथ बंद कर दिया गया, परंतु उसे कुछ नहीं हुआ। आखिर में होलिका ने प्रहलाद को अपने साथ आग में बिठा लिया। होलिका ने खुद एक शॉल ओढ़ ली ताकि वो आग में न जल सके, लेकिन वो शॉल प्रहलाद के ऊपर चली गई, जिसकी वजह से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, मगर होलिका उस आग में जलकर भस्म हो गई। भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप यानी आधे मानव और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर संध्या के समय हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से मार दिया। इसलिए हर साल बुराई पे अच्छाई की इस जीत को याद दिलाने के लिए होलिका को जलाया जाता है। होली का त्योहार होलिका को जलाने के अगले दिन मनाया जाता है।